एवरीवन, वेलकम टू प्रीमियम लर्निंग्स। माय नेम इज नेहा एंड हमारी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। और हमने पहले वीडियो में पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से भी हमने समझा था। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो यदि हमें डेटा स्ट्रक्चर की अच्छी नॉलेज चाहिए तो हमें उसके टाइप्स भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सब्सक्राइब प्रीमियम लर्निंग्स YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू रिसीव अपडेट्स अबाउट वीडियोस फॉर योर करियर ग्रोथ। तो क्या क्या टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है? सो वी हैव सम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर को हम ये दो पार्ट में ही डिवाइड करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होता है मींस हमारे पास ये ऑलरेडी डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, या इनको हम बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, लाइक जैसे हम मुझे इंटीजर सेव करना है, लाइक नंबर सेव करना है तो इंट यूज करेंगे, कैरेक्टर यूज करने के लिए हम कैर, यदि मुझे ट्रू फॉल्स यस नो जीरो वन स्टोर करना है तो बोल, फ्लोट मीन्स हम डेसिमल डेटा यूज करेंगे, पॉइंटर में हम एड्रेस सेव करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं समझाऊँ आपको, मैंने इंटीजर आई, मेरे पास है एक वेरिएबल, तो यदि मैं आई लिखूंगी ना तो मैं सिर्फ इसको वैल्यू टू दे रही हूँ, मीन्स आई की वैल्यू क्या हो गई टू। पर इसमें क्या लिमिटेशन है, मैं इसमें ना मल्टीपल डेटा यूज नहीं कर सकती, मीन्स ऐसा मैं इसमें अंदर स्टोर नहीं कर सकती, और ना मैं इसके अंदर कभी नल वैल्यू भी स्टोर नहीं कर सकती, लाइक ब्लैंक। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें जीरो नहीं स्टोर कर सकती, जीरो मैं स्टोर कर सकती हूँ बट नल या ब्लैंक मैं इसमें स्टोर नहीं कर सकती हूँ, मल्टीपल वैल्यू मैं इसमें स्टोर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इसके लिए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स का। ओके, तो मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, मीन्स जैसे हम एरे ले लें या फिर हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को ले सकते हैं, इसमें हम सारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव, और इसमें हम नल भी कंटेन करते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इनको भी हम मेजरली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पहले हम उसको अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। लीनियर से जैसे उसका नाम समझ में आ रहा है कि ये एक लीनियर होगा, मीन्स एक लीनियर ऐसा होगा, या फिर ऐसा समझ सकते हैं, आपने ट्रेन देखी है क्या, एक डब्बे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, ऐसे ये इस फैशन में जो डेटा होता है वो लीनियर फैशन में होता है, और मतलब कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा। ठीक है, नाउ इसको भी हम मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, को हम बोल सकते हैं स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसकी वैल्यू स्टैटिक हो या फिक्स्ड हो, या हमने कंप्यूटर को बोल दिया कि ये आपको सिर्फ इतनी MB हमने मेमोरी एलोकेशन किया है, एड्रेस सपोज 50 MB मैंने मेमोरी में एलोकेशन किया है, इतना ही आपको डेटा यूज करना है या इतना ही एड्रेस आपको यूज करना है, तो इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है 4 का, ओके, तो मैं 4 डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकती हूँ, 4, 3, 2 and 1। सपोज ओवर अ टाइम ना मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मैं मुझे इसके अंदर ना एक 5 वेरिएबल भी चाहिए, 5 नंबर भी चाहिए मुझे स्टोर करना है, तो वो मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 4 है, मतलब ये सिर्फ 4 ही डेटा अपने अंदर कंटेन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। एक एग्जाम्पल से समझते, सपोज मैं आपके पास 50 रुपए है, आप मार्केट गए और आपने 60 रुपए का सामान खरीद लिया, पर आपके पास अभी क्या है, खरीद सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन है कि आपके पास 50 रुपए ही है। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर स्टैटिक हो गया, मीन्स 50 से ज्यादा कुछ नहीं। ओके, तो नाउ डायनेमिक क्या होता है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पर हम सपोज मेरे पास 1, 2, 3 है और मैं चाहती हूँ कि मुझे 4 वेरिएबल भी चाहिए, तो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ, मतलब रन टाइम पर भी मैं उसमें वेरिएबल को ऐड कर सकती हूँ, इसको हम लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डायनामिक होता है, मीन हम इसको ओवर अ रन टाइम भी हम इसमें हम मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, सपोज आप मार्केट गए, आपकी लिमिट थी 40,000 का आपको सामान खरीदना, आपको आ गया पसंद 60,000 का, तो आप उसको खरीद सकती हो क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड में उतना लिमिट रहेगा। ठीक है, तो ये होती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो रन टाइम पर हमें अवेलेबल हो जाती है। ओके, तो
डायनामिक और स्टैटिक की एग्जांपल्स जैसे एरे, एरे जो है बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिक का, वैसे ही डायनामिक का लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक और क्यू इसके एग्जांपल्स हैं, और हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नाउ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर नहीं होता। लीनियर नहीं होता तो कैसा होगा? एक ट्री हो सकता है, जैसे नोड है, उसके सब नोड है, सब नोड के फिर चाइल्ड नोड्स हो गए, चाइल्ड नोड के कुछ लीफ नोड हो गए, तो ये कुछ स्ट्रक्चर देखो लीनियर नहीं है तो ये ट्री हो गया। तो फिर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, सपोज मेरे पास कुछ नोड्स कनेक्टेड हैं आपस में, फिर कुछ नोड कनेक्टेड है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ये सारे स्ट्रक्चर्स लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते फटाक से। हमारे पास दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। ओके, तो मैं क्विक रिवाइज का आपको करा देती हूँ। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये एक्चुअली में क्या है, फंडामेंटल टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, हमने अभी बात किया है, और ये अपने अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू को ही स्टोर करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन में, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, है ना, और जैसे इंट 5। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को। नाउ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होंगे? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करते हैं। सीआर मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करते हैं एक ही एंटिटी में, जैसे एरे, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ और क्यू हो गया, जैसे मैंने 5 इसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया। कैरेक्टर भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे 100 कैरेक्टर भी हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके दो टाइप होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो लीनियर क्या होता है, इसमें कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होता है, जैसे कि एक के बाद दूसरा। ये देखो यहाँ पर सारे जितने भी स्ट्रक्चर है सारे कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन है यहाँ पर। ये होता है स्टैक, ये होता है हमारा क्यू, है ना, ये होता है हमारा एरे, और ये है हमारी लिंक्ड लिस्ट। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब यहाँ पर फिक्स अमाउंट की मेमोरी अलोकेट होती है, जैसे मैंने आपको बताया 10 रुपए का एग्जाम्पल या 50 रुपए का एग्जाम्पल जो हो गया हमारे पास, इसमें हम फिक्स मेमोरी कंपाइल टाइम पर अलोकेट करते हैं, एरेज का एग्जाम्पल है। नाउ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी मेमोरी रन टाइम पर चेंज हो सकती है, जैसे लिंक्ड लिस्ट हो गया, है ना, इसको हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं, जो हम रन टाइम पर भी इसमें हम डिलीट करना है तो कर सकते हैं, ऐड करना है कुछ नया नोड तो वो भी कर सकते हैं। ना नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये नॉन कंसेक्यूटिव मेमोरी होती है इसमें। एक्चुअली में नॉन कंसेक्यूटिव मतलब हमारा जो ट्री के फॉर्मेट में ये होता है, ठीक है, इसके मल्टीपल पाथ होते हैं कनेक्ट इसमें, तो ये होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाउ हम एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा। सी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास होता है स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक आप बताइए क्या हो सकता है, एरे ऑफ कोर्स। ओके, तो डायनामिक क्या हो सकते हैं, डायनामिक हमारे पास स्टैक हो सकता है, हमारे पास लिंक लिस्ट हो सकती है, और ये जो है हमारे पास क्यू का एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, डायनामिक क्यों है, क्योंकि इसमें हम रन टाइम पर डेटा को ऐड कर सकते हैं। ये स्टैटिक क्यों, क्योंकि हम इसमें रन टाइम पर डेटा ऐड नहीं कर सकते हैं। नाउ नॉन लीनियर क्या होते हैं, नॉन लीनियर जो लीनियर फैशन में नहीं होते। देखो यहाँ पर सारे लीनियर फैशन में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा, ठीक है। तो नॉन लीनियर फैशन में क्या होते हैं, जैसे ट्री हो सकता है हमारे पास और हमारे पास ग्राफ हो सकता है। ट्री और ग्राफ को रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका है, ट्री में हमेशा एक पेरेंट नोड होता है और उसके सब नोड या चाइल्ड नोड होते हैं, पर ग्राफ में ऐसा नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे से एजेस के थ्रू या वर्टाइसेस के थ्रू कनेक्टेड रहता है। सो ये होते हैं नॉन लीनियर और लीनियर। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारे टाइप्स के बारे में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।